हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जैसे आपको सारी नोटिफिकेशन जा जाएं। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी के लिंक और साथ में मेरे रेफरल पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, वैसे मैं रेफर शूटिंग वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़, पावर वीडियोज़ बनाता हूँ मेरे चैनल पर, देखिए आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा अगर आपको एयरगन्स पसंद है तो। पर आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम पैलेट सेम कैलिबर का यूज़ करते हैं, पॉइंटेड यूज़ करते हैं, राउंड हेड यूज़ करते हैं, पर एक्यूरेसी नहीं आती, उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ। उसका बहुत ही नॉर्मल सा रीज़न हो सकता है, वो क्या होता है, चलिए दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले इस गन को खोल लेते हैं, फिर आपको रीज़न तक। ये गन खोल रहे हैं तो दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, इस जगह को कहते हैं ब्रीच, इसमें पैलेट बैठता है। तो अगर आप इसमें पैलेट रखते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पैलेट बहुत लूज हो या बहुत अंदर चला जाए या फिर थोड़ी सी जगह रह जाए, उससे तो आपको पता ही है एयर लीक होगी, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, ना राइफलिंग पे टच होगा, पावर भी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी भी बकवास हो जाएगी। आपका जो पैलेट है बिल्कुल इसके साथ स्मूथ बैठना चाहिए, तब आपकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट आएगी। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सही कैलिबर का पैलेट खरीदा तभी होगा। कहीं चाहे कैलिबर सेम कंपनी के, सेम कैलिबर के पैलेट, सॉरी, अलग अलग कंपनीज के सेम कैलिबर के पैलेट्स का डिज़ाइन अलग अलग होता है, जो हर गन में वेरी करता है। अब यही कैलिबर का पैलेट अगर मैं अपनी टॉमी में डालूंगा ना, तो बहुत आराम से बैठ जाती है। पर यही सेम कंपनी का पैलेट मैं इसमें डालता हूँ ना, तो ये देखिए। तो आप अपनी गन के हिसाब से अलग अलग पैलेट ट्राई कीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। तो मैं ऐसे अंदर डालता हूँ और मैं इसको ऐसे दबा देता हूँ। तो देखने में आपको लग रहा होगा, हाँ दबा दिया, बिल्कुल ठीक है, पैलेट बिल्कुल ठीक बैठा है, फ्लैट है, तो रेडी टू फायर है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, अब नॉर्मल लोग इसको बंद करेंगे, फायर करेंगे। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, थोड़ा सा साइड पर रख के, तो बंद करेंगे और फायर कर देंगे, और जब एक्यूरेसी नहीं आएंगे तो कहेंगे गन ख़राब है। अब जब पैलेट ढीला बैठता है तब तो आपको पता लग जाता है, बैरल के अंदर चला जाता है। पर एक और रीज़न हो सकता है कि एक्यूरेसी क्यों ना आ रही हो। जब ऐसे पैलेट डाल लेते हो ना और आपको लग रहा है एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो पैलेट डाला भी शूट ही किया। इसको खोल के देखो, ये देखो दोस्तों, ये जो पैलेट है ना, इस गन की ब्रीच में फिट होगा ही नहीं। चाहे सेम कैलिबर का है, पर कंपनी कंपनी के पैलेट से डिफरेंस आता है। अब यही अगर इस गन में मैं मैग्ना शॉट के पैलेट डालता हूँ ना, फिट आ जाते हैं। पर इस गन में मास्टर शॉट के पैलेट फिट नहीं आते, बल्कि किसी और जैसे टॉमी में उसमें आ जाएंगे, पर इसमें नहीं आते। अभी देखिए थोड़ा सा इसका लिप जो था, इसको फोकस करते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं, तो रुक जाइए, लाइट ऑन, फोकस करने दीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जो इसका लिप था ना या स्कर्ट थी, चाहे सेम पैलेट का कैलिबर है, सॉरी मतलब सेम कैलिबर का पैलेट है, पर उसकी जो स्कर्ट थी ना पैलेट की, वो थोड़ी सी ऊपर थी। जब मैंने इसको बंद किया ना, तो वो पीछे लोहे के साथ टकराई, मतलब गन के साथ टकराई, और ये बिल्कुल इसकी स्कर्ट फ्लैट हो गई है, मतलब छिल गई है, क्योंकि लेड बहुत सॉफ्ट होता है, आराम से छिल जाता है। अब मैं इसको फायर करूंगा तो अब ना इसकी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि अगर पैलेट की शेप खराब हो जाए ना, तो हवा में इसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो इधर उधर मतलब स्ट्रेट अपनी जगह पे नहीं जाएगा, तो इसकी एक्यूरेसी खराब होगी, पावर खराब होगी, और मेरे को लगेगा गन खराब है, बल्कि ये पैलेट के ना फिट होने की वजह से है। तो हर कैलिबर मतलब अलग अलग कंपनी इसका पैलेट ट्राई कीजिए अपनी गन में, और जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी देता है वो यूज़ कीजिए। जैसे इस गन में सबसे अच्छी एक्यूरेसी मुझे मिलती है अपनी मैग्ना शॉट के पैलेट्स के साथ, बल्कि मास्टर शॉट के पैलेट बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं खराब है, पर मास्टर शॉट के पैलेट टॉमी के साथ बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। तो शायद अगर आप न्यू ईयर गनर है तो आपको शायद ये ना पता हो, तो मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी ईयर गन एक्सेसरी या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो एक नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय।